अनुच्छेद 370 हटने के बाद अलग से केंद्र शासित प्रदेश बने लद्दाख में पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग अब तेज हो गई है। यहां लेह और कारगिल के लिए अलग से लोकसभा और राज्यसभा सीट और रोजगार को लेकर भी प्रदर्शन किए गए। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और अपेक्स बॉडी लेह ने संयुक्त रूप से जुलूस और प्रदर्शन का आयोजन किया। लेह और कारगिल की सड़कों पर लोग हाथों में तिरंगा झंडा लेकर प्रदर्शन करने के लिए उतरे। इस रैली में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। बता दें कि 2019 में लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। लेह में रैली की शुरुआत पोलो ग्राउंड में एक पेट्रोल पंप के पास से हुई। यहां के लोग केंद्रीय गृह मंत्री से अपनी मांगों को पूरी करने की मांग कर रहे हैं। इनकी मांग है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य घोषित किया जाए, संविधान की 6वीं अनुसूची के तहत अधिकार दिया जाए, युवाओं को रोजगार मिले और अलग से लोकसभा और राज्यसभा की सीट भी बनाई जाए। लेह के अलावा कारगिल में भी हुसैनी पार्क से लाल चौक तक रैली निकाली गई। अपेक्स बॉडी लेह के साथ अन्य दल भी इसमें शामिल हुए। बता दें कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किया गया था, वहीं लद्दाख को बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दी गई। उस वक्त लेह में भी लोगों ने जश्न मनाया था। हालांकि अब लोगों का कहना है कि प्रदेश का शासन पूरी तरह से नौकरशाहों के हाथों में है और यहां के स्थानीय लोगों की भूमिका नहीं है। लद्दाख को बाहर के लोग आकर चलाते हैं और यहां के लोगों की समस्याएं महज समस्याएं बनकर ही रह जाती हैं। सिक्स शेड्यूल फॉर लद्दाख, सेपरेट राज्यसभा एंड लोकसभा सीट फॉर लद्दाख एंड अर्ली रिक्रूटमेंट फॉर लद्दाख, ये चार डिमांड्स हैं। आज के जो इन्होंने ऑर्डर निकाला हुआ है गेजेटर का, हम इनसे SSC के जरिए या किसी भी एजेंसी के जरिए रिक्रूटमेंट से नहीं चाहते हैं। हमने क्लियरली इनको कहा है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में SSRB है, JK SSRB, लद्दाख SSRB नॉन गेजेटेड के लिए हो, और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर PSC है गेजेटेड कैडर्स के लिए, लद्दाख में लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन चाहिए, लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन चाहिए और उसी के जरिए रिक्रूटमेंट चाहिए। वो ऑर्डर निकाले, रिक्रूटमेंट शुरू करें। SSB लद्दाख SSB हो, न SSC चाहिए ना हमें और कोई एजेंसी चाहिए। लद्दाख का SSC निकाले, नोटिस ना निकाले, ऑर्डर ना निकाले, रिक्रूटमेंट करें। पिछले 3 साल से लद्दाख के अनएम्प्लॉयड को ऐसे ऑर्डर और नोटिस निकाले जा रहे हैं जिसके ज़रिए वादे पे वादा है। हम इन वादों से सेटिस्फाइड होने वाले नहीं हैं। जिस दिन हमारे हज़ारों जवानों को नौकरी का ऑर्डर हाथों में मिले और ज्वाइन कर ले, उस दिन हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे। सर एक सवाल, इस वक्त सारी मीडिया में, मुल्क में टेंशन में, कल उमर साहब को इशू को लेके, उसको आप किस तरह से देखते हैं जो द्रास में हुआ उनके साथ? ये जो इश्यूज निकालते रहते हैं, ये गोदी मीडिया है जो हमेशा जब भी आवामी नुमाइंदे आते हैं उन आवामी नुमाइंदों को लेकर कोई ना कोई इश्यूज निकालते रहते हैं। अब गोदी मीडिया को भी चाहिए हकीकी आवामी जो डिमांड्स हैं, आवामी ख्वाहिशात हैं, उन ख्वाहिशात को, उन डिमांड्स को, उन इश्यूज को हाईलाइट्स करें, न कि अपने आकाओं को खुश करने के लिए, न कि अपने जो इनको पैसा दे के ये सारी मीडिया बना के चला रहे हैं उनको खुश करने के लिए, बल्कि हकीकी आवामी ख्वाहिशात को, आवामी डिमांड्स को इशू बना के हाईलाइट करना। उनके साथ जो हुआ उसको आप किस तरह देखते हैं? जो राजदाबाले में जाने नहीं दिया, माइक छीनाया गया, इस इशू को किस तरह देखते हैं? या अभी तक मैंने आपको कहा ये चाहते हैं कि लद्दाखी आवाज़ ना निकाले, जम्मू कश्मीर के आवाम आवाज़ ना निकाले। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ नहीं हो रहा, पूरी हिंदुस्तान में, चाहे वो आपके मीडिया के लोग हैं, चाहे वो ज़मींदार हैं, चाहे वो अग्निपथ के नाम से जो बेरोज़गार निकल रहे हैं, चाहे बैंक एम्प्लॉइज़ हैं, जितने भी लोग हैं, यानी शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, माइनॉरिटी हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबों की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है, उन सबों को बंद करने की कोशिश की जा रही है, उन सबों का गला घोंटने की कोशिश की जा रही है। और सिर्फ एक ही एजेंडा है, वो हिंदुत्व का एजेंडा है। वो चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही आवाज़ बोले, एक ही रंग हो, और वो रंग हो इनका ज़ाफ़रानी कलर, एक ही आवाज़ हो, वो हिंदुत्व की आवाज़ हो। ये होने